आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 11 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा, इस विषय पर बात करूंगी। राशिफल बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो आप लोग अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके इसके परिणाम को समझ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको अपने जन्म का नक्षत्र पता है तो उससे भी आप इस प्रेडिक्शन को और भी एक्यूरेसी से चेक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जब आप पैदा हुए थे तो आपका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में था, तो जो केतु ग्रह होगा वो आपके जन्म तारा बन जाएगा। तो जो महादशाओं में ग्रहों का एक क्रम है केतु से लेकर के बुध तक, उसी क्रम में आपकी दशाएं निर्धारित हो जाती हैं। तो चंद्रमा केतु पे है तो केतु आपका पहले नंबर की तारा हो गया, फिर तीसरे नंबर पर कौन आएगा, सूर्य आएगा, फिर पांचवे पे। तो जो तीसरे नंबर की, पांचवें नंबर की और सातवें नंबर की तारा के ऊपर से जब चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, वहां पर आपको थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसे महादशा अंतरदशा वगैरह का भी प्रभाव पड़ता है, कैसे आपके प्लैनेट्स चल रहे हैं। मेरा प्रिडिक्शन साधारण तौर पर चंद्रमा के ही मूवमेंट के ऊपर रहता है। और आप सब लोगों को सबसे पहले मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखा करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाया करे। और नए वर्ष के जो वीडियोज हैं वो मैंने डालने शुरू कर दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कंसल्टेंसी लेनी है तो मेरे हर एक वीडियो पर राइट साइड में मेरा व्हाट्सएप नंबर डाला होता है, उस पर आप मैसेज करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि मेष वालों के लिए ये वर्ष कैसे रिजल्ट दे सकता है, ये सप्ताह कैसे रिजल्ट दे सकता है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए बात करते हैं तो आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपके लिए स्थितियां काफी गंभीर रहेंगी, संवेदनशील रहेंगी, बड़े निर्णयों से आपको बचाव करना रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य मत करिएगा, मेंटली इमोशनली आप थोड़े से लो फील करेंगे अपने आप को, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ये समय आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा व्यथित करके रखेगा, भावनात्मक रूप से आप काफी डाउन रहेंगे, तो बड़े कार्य मत करिएगा। मीटिंग है, पेपर रिलेटेड वर्क है या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है, किसी भी नए काम का प्रारंभ मत करिएगा, शांति से समय को व्यतीत कर लीजिएगा। इसके बाद बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपकी थोड़ी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं, एजुकेशनल ट्रिप, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन फादर की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है या उनके साथ आपका कोई वैचारिक मतभेद, कहा सुनी वाद विवाद भी हो सकता है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। ये समय थोड़ा सा आपको असंतोष देगा, तो पढ़ने लिखने में अपना समय व्यतीत करिएगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके प्रोफेशन और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। यहाँ पर आपका व्यापार, बिजनेस, नौकरी से आपको लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, अगर आपके गुरु की दशाएं चल रही होंगी, शनि की दशाएं चल रही होंगी, ये प्लेनेट आपको काफी लाभ करवाएंगे, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे, व्यापार में, बिजनेस में और संतान से संबंधित आपको ये बहुत बड़े लाभ दे सकते हैं। विशेष रूप से गुरु का होगा तो आपको बच्चों से फायदा, बच्चों की प्राप्ति, विवाह, यात्राएं, हायर स्टडीज, इन सब चीजों में आपको सपोर्ट कर देगा। सैटर्न आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, बच्चों से आपको फायदा करवा सकते हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है, रिसर्च वगैरह से आपको फायदा करवाएंगे। यदि आपकी राहु की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो फॉरेन रिलेटेड चीजों से आपको लाभ मिल जाएगा। अनावश्यक व्यय मत करिएगा, खर्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, विदेशों से आपको लाभ दिलवाएगा।
शुक्र की जिनकी दशा अंतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी, जो टाइम पीरियड है 7 दिन का, तो इसमें आपको बहुत अच्छा व्यापार बिजनेस लाइफ पार्टनर से काफी अच्छे संबंध है, और व्यापार बिजनेस की प्रगति आपके स्वयं के व्यक्तित्व के ऊपर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य मंगल की दशाएं चल रही होंगी तो थोड़ा सा स्वास्थ्य आपको ध्यान रखना चाहिए, अचानक से चोट चपेट का डर हो सकता है, लेकिन रिसर्च वगैरह से फायदा हो जाएगा। आइस का आपको ध्यान रखना चाहिए। बुध की दशा वगैरह चल रही होगी तो पढ़ाई लिखाई से आपके लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। इस तरह से बड़े प्लेनेट का भी आपको एक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं वृषभ के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, व्यापार बिजनेस लाइफ पार्टनर यात्राएं आर्थिक फायदा हर एक तरह से इस समय आपको मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा और फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, बिजनेस में किसी को पार्टनरशिप में लेकर के आ सकते हैं, या किसी नए कार्य व्यवसाय का प्रारंभ कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, वृषभ वालों को यहाँ बहुत शांति बना के रखनी है। अचानक से आपकी स्थितियां विपरीत होंगी, मानसिक भावनात्मक कष्ट यहाँ हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बड़े कार्यों से महत्वपूर्ण कार्यों से बचाव करना है। यहाँ पर आपका मन थोड़ा सा पीड़ित रहेगा, तो बड़े निर्णय मत करिए, कार्य नए प्रारंभ मत करिएगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यात्राएं करवाएगा। कुछ आप रिलीजियस टूर ट्रिप्स कर लें, पढ़ाई लिखाई की वजह से कहीं आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, लेकिन फादर के साथ कोई कहासुनी या उनके स्वास्थ्य में आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ वृषभ वालों में जिन लोगों की गुरु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी, यहाँ पर आपको विदेशों से जुड़ करके कुछ खर्चे होंगे, यात्राओं पे, कंस्ट्रक्शन निर्माण के ऊपर, और कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रिसर्च, इन सब चीजों से जुड़ करके घटनाएं आपको यहाँ पर गुरु देंगे। शनि की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो आपके व्यापार बिजनेस कंस्ट्रक्शन निर्माण व्यापार बिजनेस को बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार करवा सकते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ आपको थोड़ा संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। राहु की जिनकी दशांतर वगैरह चल रही होगी वो आपको फाइनेंशियली बहुत फायदा कर देंगे, मीडिया से जुड़ करके व्यापार बिजनेस को भी बढ़ाएंगे, विवाह की स्थितियां भी आप लोगों के लिए निर्मित करवाएंगे। वृषभ वालों के लिए, बहुत से लोगों के लिए 1 मई के बाद विवाह के बहुत प्रबल योग बन जाएंगे, उसका फायदा लीजिएगा आप लोग। यदि आपके शुक्र की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी, ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए कुछ यात्राएं होंगी, विदेशों से आपके लाभ होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और ये समय आपको नौकरी में फायदा करवा सकता है। लोन वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो सब मिल सकता है। सूर्य मंगल की दशाएं चल रही होगी तो व्यापार बिजनेस की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बुध की दशाएं चल रही होंगी तो पढ़ाई लिखाई, संतान से संबंधित चीजों का आपको सावधानी रखना रहेगा, उसमें अचानक चेंजेस उठा पटक हो सकती है, लेकिन आपको आर्थिक लाभ करवा देंगे। वृषभ के बाद फिर बात करते हैं मिथुन के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन राशि लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, हर एक तरह से सफलताएं लेकर के आ रहा है। कंपटीशन, रोग, ऋण, शत्रु, एनिमिटीज, सभी पर आपको विजय प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको कंपटीशन से फायदा होगा, कॉम्पिटेटिव फॉर्म वगैरह आप फिलअप कर सकते हैं जो स्टूडेंट है, यात्राओं से फायदा, नौकरी में लाभ, जितनी भी आपके डिस्प्यूट रुकी अटकी चीज होंगी वो सब चीजें यहाँ पर दूर होंगी, फायदा होगा हर एक तरह से आपको। और बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपको यात्राओं से व्यापार बिजनेस लाइफ पार्टनर के द्वारा बहुत लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएगा करवाएगा। यहाँ पर व्यापार बिजनेस नौकरी व्यवसाय में मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा प्रमोशन आपको एक तरीके से सम्मानित करने का भी इस समय काम करेगा, पैसे कहीं ना कहीं से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप में लेकर के आ सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच जो लड़ाई झगड़े बीच बीच में होते रहते हैं उसको आप यहाँ मिल बैठ करके सुलझाएंगे तो सुलट जाएगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मिथुन के लिए, यहाँ पर आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मेंटली इमोशनली बिल्कुल आप लो हो जाएंगे, कोई भी बड़े कार्य मत करिएगा, नए काम का प्रारंभ कदापि मत करिएगा, पैसों का लेन देन नहीं करना है, कोई मीटिंग है, पेपर रिलेटेड वर्क है, मत करिएगा, सिर्फ आप पूजा पाठ इन सब चीजों पर मन लगाइएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, जिन लोगों की गुरु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी, उनको व्यापार बिजनेस मीडिया से और बच्चों से क्रिएटिविटी से काफी लाभ मिलेगा। आपके लिए विवाह की स्थितियां भी निर्मित होंगी, आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए काफी अच्छा समय रहेगा, सरकार से आपको फायदा करवा देंगे गुरु ग्रह। अगर आपकी शनि की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी तो ये आपको एजुकेशन में बहुत अच्छे से लाभ देंगे, नौकरी व्यवसाय बिजनेस में जो भी आपके एनिमिटीज होते हैं, जो शत्रु होते हैं आपके, उन लोगों को अच्छे से दूर करेंगे, मीडिया वगैरह के क्षेत्र से आपको फायदा करवा सकते हैं शनि।
ये आपके लिए फॉरेन ट्रेवल, दूर की यात्राएं, एजुकेशन, हायर स्टडीज में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देंगे। शुक्र की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो आपके लिए काफी संभावना है नए प्रेम संबंधों में जाने की, संतान प्राप्ति की, संतान से लाभ की स्थितियां बनाएंगे, रचनात्मक कार्यों से लाभ करवा देंगे। गुरु की दशा प्रत्यंतर वगैरह अगर आपकी चल रही होगी तो ये जो समय रहेगा आपके लिए, ये आपके लिए नौकरी, व्यापार, बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है और आपको ये फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगा। पैसों का लाभ कंस्ट्रक्शन, निर्माण, नौकरी में फायदा, व्यापार, बिजनेस में उन्नति देने का काम करेगा। इस तरह से आपके लिए समय रहने वाला है। जिन लोगों की सूर्य और मंगल की दशाएं चल रही होंगी उन लोगों को सरकार से फायदा हो सकता है, जॉब वगैरह में फायदा हो सकता है, लेकिन अनावश्यक किसी से वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। मिथुन के बाद फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जितने भी कर्क राशि लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है कर्क के लिए, यहाँ पर आपको रचनात्मक कार्यों से फायदा होगा, लेकिन बच्चों से तालमेल बनाइएगा। जो स्टूडेंट है पढ़ाई पर अधिक फोकस करिएगा। जो रिलेशनशिप में है, किसी तरह के प्रेम संबंध में है, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े वाद विवाद मत करिएगा। आपका मन जो थोड़ा रहे है वो अशांत सा रहेगा, बड़ा फ्लक्चुएट होता रहेगा आपका माइंड, किसी भी चीज पर आप स्थिर नहीं रहेंगे। तो हर तरह से आपको बच्चों के साथ तालमेल बनाना है, रिश्तों का ध्यान रखना है। बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है कर्क वालों के लिए, यहाँ से स्थिति आपके लिए अनुकूल होगी। रोग ऋण शत्रु में आप फाइट करके उससे आप विजय प्राप्त करेंगे। कॉम्पिटिशन में फायदा, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस में आपको लाभ होगा। यात्राएं आपको लाभ करवाएंगी। यहाँ पर आपको हर एक तरह के कॉम्पिटिशन से फायदा होने के योग बन जाएंगे, तो इसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। यहाँ पर आप अपने फॉर्म वगैरह को फिलअप कर सकते हैं। जो लोग केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं कोर्ट कचहरी वगैरह में, यहाँ पर अगर आप मुकदमा वगैरह दायर करते हैं तो उसमें सफल होने के योग निर्मित होते हैं। जिनको किसी भी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत रहेगी, यहाँ पर आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। ये समय आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मिथुन वालों, कर्क वालों के लिए, व्यापार, बिजनेस, लाइफ पार्टनर की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यात्राओं से आपको लाभ होगा। कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल गेन भी होंगे, कुछ ना कुछ आपको पैसे प्राप्त होते रहेंगे, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कर्क वालों के लिए। यहाँ पर आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं पार्टनरशिप में लेकर के आ सकते हैं अपने बिजनेस में, अपने व्यापार बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उसके दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, जिन लोगों की गुरु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी, ऐसे लोगों के लिए देखिए, जो भी आपका नौकरी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है वहां आपको फायदा मिल जाएगा, आर्थिक लाभ आपको मिल रहा है। और इसी के साथ साथ घर के अंदर कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, इन सब क्षेत्रों में फायदा मिल जाएगा। नौकरी व्यवसाय में आपको लाभ मिल जाएगा। यदि आपकी शनि की दशाएं वगैरह चल रही हैं तो रिसर्च से आपको फायदा होगा, लेकिन जॉब में बड़े बदलाव मत करिएगा। फाइनेंशियल गेन, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, लेकिन जो लोग बच्चों से संबंधित कुछ काम करते हैं, संतान है, शिक्षा है, बुद्धि है, प्रेम संबंध है, इन चीजों में थोड़ा आपको मेच्योरिटी के साथ और बहुत ही डिसेंसी से चलना है। सडन आपको कोई निर्णय नहीं करना है, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा वो डिले करने का काम कर सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको वो लाभ भी देंगे। और जिन लोगों की गुरु राहु की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो विदेश यात्रा, स्टडीज के पर्पज से फॉरेन जाना, ऐसी स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी और आप काफी एक्टिव हो जाएंगे, यात्राएं काफी कर लेंगे, नए रिश्तों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। फादर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और अपने धर्म कर्म का बहुत अच्छे से पालन करिएगा, वो बहुत जरूरी है। शुक्र की दशाएं अगर चल रही होंगी तो आपको पैतृक संपदा प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, अचानक से फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं। और जिन लोगों की सूर्य और मंगल की दशाएं चल रही होगी उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। संतान, शिक्षा, बुद्धि और जो आपका प्रोफेशनल वाला एरिया है उन सब चीजों से आपको काफी लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। कर्क वालों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का और ड्राइविंग वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। कर्क के बाद बात करते हैं सिंह के लिए। देखिए, जितने भी सिंह राशि लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत संवेदनशील है। यहाँ पर एकदम शांति से रहिएगा, घरेलू पक्ष आपका बिल्कुल अशांत रहेगा। माँ की सेहत में दिक्कत या आपके स्वयं के स्वास्थ्य में कोई छिटपुट सर्दी, जुकाम, कोल्ड कफ, इस तरह की स्थितियां बनेंगी, या आप मानसिक रूप से थोड़े से अशांत रहेंगे, तो फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, बहुत शांति से समय को व्यतीत कर लीजिएगा।
बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको अपने बच्चों के साथ बहुत ध्यान रखना है, बच्चों की केयर करनी है, बच्चों से कोई वाद विवाद नहीं होने पाए इसका ध्यान रखना है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, लिखने पढ़ने से आपका मन यहाँ पर भटकेगा, उसका ध्यान रखिएगा। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है अपने पार्टनर से, आप यहाँ पर विवाद कर सकते हैं तो बचाव करिएगा। अगर आप लोग अपनी पूरी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों पर लगा देंगे, लिखना पढ़ना नाच डांस गाना क्रिएटिविटी, तब आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा सिंह के लिए, ये सफलताएं लेकर के आएगा। रुके अटके बिगड़े कार्य पूर्ण होंगे, यात्राओं से फायदा, नौकरी में लाभ, और जितने भी आपकी एनिमिटीज होंगी, रोग ऋण शत्रु वाली चीजें होंगी, वो सब यहाँ पर दूर होंगी। कॉम्पिटिशन से फायदा, जो बच्चे कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी करते हैं, यहाँ पर आप अपने फॉर्म वगैरह को फिलअप कर सकते हैं। जो लोग केस वगैरह में उलझे रहते हैं, मुकदमे वगैरह आप यहाँ पर दायर कर सकते हैं, उसमें आपके लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही होगी तो आपको यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ के भी योग बनेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, अगर आपकी शनि की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो व्यापार बिजनेस में लाभ करवाएंगे, आपको यात्राएं भी दे सकते हैं, छुटपुट हो, कंस्ट्रक्शन निर्माण की स्थिति आपके लिए बनाएंगे। गुरु की दशाएं चल रही होंगी तो हायर स्टडीज, यात्राएं, आपके व्यक्तित्व में एक मजबूती, मीडिया आईटी सेक्टर से फायदा, बच्चों से लाभ, पढ़ने लिखने में आपके रुझान को ये बढ़ाएंगे। यदि आपकी राहु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी तो विदेशों से आपके कनेक्शन बनाएंगे, थोड़ा खान पान भाषा शैली का ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए स्थितियां अच्छी हैं, रिसर्च से आपको ये ग्रह फायदा करवा देगा। शुक्र के जिनकी दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो अपने जॉब बिजनेस को लेकर के आपको थोड़े से टूर वगैरह ज्यादा करने पड़ सकते हैं, यात्राएं वगैरह कर सकते हैं, और आईटी वगैरह में है, मीडिया में है किसी तरह के, तो वहां से आपको फायदा करवा देंगे। यदि आपकी सूर्य और मंगल की दशाएं चल रही होंगी तो ये दोनों प्लेनेट मिलकर के इस समय पर आपको प्रॉपर्टी से फायदा करवा सकते हैं, और आपको काफी सरकार से लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। नौकरी है, पॉलिटिक्स है, ये सब चीजों के दोनों प्लेनेट मिलकर फायदा करवाएंगे। माँ की सेहत में किसी तरह की दिक्कत रही होगी उसको भी ये दूर करेंगे, आपको अपने माँ के पास लेकर के जा सकते हैं, कहीं आप दूर हो तो इस समय पर आपको अपने घर जाने का मौका मिलेगा, और घरेलू पक्ष जो रहेगा वहां पर सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। थोड़ा सा वाद विवाद नहीं करें, बहुत तेज से नहीं बोलें, क्योंकि दोनों ही तेज ग्रह हैं सूर्य मंगल, तो आपके सुख भाव में भी ये रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपको बोलने उलने की वजह से दिक्कत करा सकते हैं, बाकी प्रॉपर्टी और पॉलिटिक्स नौकरी इन सब चीजों में बहुत फायदा कराएंगे। फिर बात करते हैं करने वालों के लिए। देखिए जितने भी कन्या राशि और लग्न वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए यात्राएं हो रही हैं, यात्राओं से फायदा, आईटी टूर ट्रेवल्स मास मीडिया से आपको फायदा होगा। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, सबके लिए स्थितियां यहाँ पर बहुत लाभप्रद रहेंगी। नए काम का प्रारंभ करना है, कोई विश कम्प्लीट करनी है उसको आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हुए कार्य आप पूरे कर सकते हैं, पीआर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये समय आपको हर एक तरह से सपोर्ट करेगा, लाभ वाला विजय वाला ये समय रहेगा आपके लिए। नए काम का प्रारंभ भी कर सकते हैं आप। बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, कन्या वालों को यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी है। घरेलू पक्ष आपका शांत होगा, माँ के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है, या आपके स्वयं के स्वास्थ्य में सर्दी जुकाम कोल्ड कफ फीवर, या पारिवारिक पक्ष अशांत होगा, ऐसा कुछ ना कुछ अवश्य होगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आप लोगों को बच्चों से बहुत संभाल करनी है। बच्चे छोटे हैं आपके या बड़े हैं, उनकी आप केयर करिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने लिखने से मन आपका भटकेगा, उधर पूरा फोकस बनाइएगा। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है, पार्टनर से आप वाद विवाद कलह क्लेश कर सकते हैं, तो उसका भी आपको बचाव करना रहेगा। यदि आप लोग इस समय को रचनात्मक कार्यों पर लगा देते हैं, जैसे कि ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांसिंग है, कोई भी क्रिएटिव वर्क, तो आपका मन इतना आपको परेशान नहीं करेगा, अदरवाइज आप किसी न किसी से उलझते ही रहेंगे। इसके बाद जितने भी कन्या वाले लोग हैं, जो आपके बड़े ग्रह हैं, अगर उनकी बात करते हैं, यदि आपकी शनि की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो ये आपके लिए कंपटीशन के दृष्टि से काफी अच्छे हैं। शत्रुओं को आपके काफी दूर करेंगे, कंपटीशन में फायदा दिलवाएंगे, आईटी सेक्टर टूर ट्रेवल्स मास मीडिया से लाभ करवा देंगे। कंपटीशन में आपको सफल होने के बड़े प्रबल योग बना करके बैठे हुए हैं शनि, उसका फायदा लीजिएगा। गुरु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी तो अचानक से आपको पैतृक संपत्ति, एंसेस्टर प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, विदेशों से आपके संपर्क स्थापित होंगे, कंस्ट्रक्शन निर्माण आप करवा सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर को सडन फाइनेंशियल गेन होने के भी योग ये गुरु देगा। यदि राहु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी तो फाइनेंशियली ठीक रहेगा, व्यापार बिजनेस बढ़ाएगा, स्पेशली आईटी मीडिया इन सब क्षेत्रों से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बना करके चलिएगा। केतु की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो आप अपने निर्णय, जो भी आप डिसीजन लेते हैं,
उन चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ आप अपने ओवरऑल व्यक्तित्व का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लग्न के ऊपर केतु है, तो कई बार अनिर्णय की स्थिति भी पैदा करते हैं। हालांकि बुध के घर में है, फिर भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। त्वचा संबंधित कोई रोग वगैरह हो तो उसका भी ध्यान रखिएगा। यदि आपके शुक्र की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो काफी अच्छी स्थितियां रहेगा। पिता से आपको लाभ मिल जाएगा, फाइनेंशियल गेन मिलेगा, घर में कुछ शुभ मांगलिक कार्य भी आपको ये ग्रह करवा सकता है। सूर्य और मंगल की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो नौकरी व्यवसाय इन सब चीजों में लाभ मिलेगा और आपको ये यात्राएं भी करवा देंगे। इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, जितने भी तुला राशि लग्न वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है काफी सामान्य है, औसत सा है। आप अपनी बोली भाषा का ध्यान रखिएगा, किसी से वाद विवाद मत करिएगा, खान पान का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। पैसों का लेन देन मत करिएगा, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। ये समय रहेगा जब आपके अंदर थोड़ा सा संतुष्टि का भाव रहेगा, औसत समय है, काट लीजिएगा। बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हर तरह से आपके लिए फायदा लेकर के आएगा। रुके अटके बिगड़े कार्य पूर्ण होंगे, यात्राओं से फायदा, नौकरी व्यवसाय बिजनेस में लाभ। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यंग एज के हैं, सभी के लिए समय बहुत सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आप अपना कोई भी विश कंप्लीट कर सकते हैं, कोई जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल करके कंप्लीट हो जाए उस काम की, आप यहाँ पर शुरुआत करिए। पीआर वीजा के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, लिखा पढ़ी से संबंधित जितने काम होते हैं उनको आप कर सकते हैं। कोई भी व्यवसाय हो उसमें आपको यहाँ पर लाभ के प्रबल योग बनेंगे। यात्राएं जो भी करेंगे वो आपको बहुत फायदा करेंगे। सेल्स टू ट्रेवल्स मास मीडिया वालों के लिए इसमें बहुत ही अनुकूल रहेगा। ये आगे चल करके जिस काम को आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हैं। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर तुला वालों को बिल्कुल शांत हो जाना है। ये समय आपके घरेलू पक्ष को बिगाड़ने का काम करेगा। अचानक से पारिवारिक पक्ष अशांत होगा, माँ की सेहत में दिक्कत आ सकती है, या आपका किसी भी बात पर आप अपनी माँ के साथ में वाद विवाद हो जाए, या आपको सर्दी जुकाम कोल्ड का फीवर हो जाए, या आपका पारिवारिक पक्ष थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है, तो इस समय को निकाल लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं जिन लोगों की शनि के दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही है, संतान प्राप्ति, एजुकेशन से फायदा, गवर्नमेंट से आपको लाभ हो जाए, फाइनेंशियली आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, व्यापार बिजनेस को बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको ये अचानक से जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज वगैरह के माध्यम से धन प्राप्ति होती है वो सब करवा देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट है बहुत मन लगा करके पढ़िएगा, पूरी कंटिन्यूटी के साथ में अपनी पढ़ाई करिएगा। जो लोग इसी तरह के रिलेशनशिप में है बहुत मेच्योरिटी के साथ में रहिएगा, क्योंकि शनि ग्रह है, ये हल्के फुल्के रिलेशन को नहीं पसंद करता है, बहुत लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप को ये देता है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। यदि आपकी गुरु की महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही हो तो विवाह हो सकता है, फाइनेंशियली गेन हो सकता है। स्पेशली आपको आईटी मीडिया वगैरह से जुड़ा कार्य व्यवसाय है वहां बहुत गुरु फायदा करा देंगे। लेकिन लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल आपको बनाना चाहिए। जो आपका स्वयं का व्यक्तित्व है उसको भी लेकर के आपको थोड़ा सा सजग ही रहना चाहिए, विशेष रूप से 30 दिसंबर तक, जब तक ये गुरु मार्गी नहीं हो जाते हैं। ये थोड़ा बहुत आपके स्वास्थ्य में कमी कर सकते हैं। राहु की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो ये आपको शत्रुओं से काफी मुक्ति करवाएंगे। कोर्ट केस, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, जितनी भी चीजें होती है वहां आपके लिए विजय की स्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन स्वास्थ्य में अगर कोई भी दिक्कत हो तो बिना डॉक्टर से पूछे आपको दवा नहीं लेनी चाहिए। किंतु आप लोगों के लिए काफी अच्छे रहेंगे भी, विदेशों से आपके संपर्क बनाएंगे और आपके लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने की योग बना करके रखेंगे। तो चैरिटीज है, धर्म कर्म, आध्यात्मिक, मोक्ष, इन चीजों से भी जुड़ करके कार्य करिएगा, क्योंकि आपके केतु 12वें भाव में चल रहे हैं कंटिन्यूअस, वो तो उसका आपको फायदा लेना रहेगा। शुक्र आपके लगन में ही है तो आपको व्यक्तित्व को मजबूती देंगे, काफी मालव्य योग बना के बैठे हुए हैं तो उसका भी आपको फायदा मिल सकता है, जिनकी शुक्र की दशाएं वगैरह चल रही होंगी। सूर्य मंगल आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं तो ये आपको अचानक से पैसों का लाभ करवाएंगे। लेकिन मुख में, आपके माउथ वाले एरिया में किसी भी तरह का कटना, छिलना, जलना, जो छाले वगैरह पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ ये दे सकते हैं। और शनि का मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए, तुला के बाद वृश्चिक के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक राशि लग्न वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है बहुत अच्छा है। मान सम्मान, इस प्राप्ति, प्रतिष्ठा मिलेगी। रुके अटके बिगड़े कार्य पूर्ण होंगे, काफी आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। करीबियों का आपको साथ मिलेगा और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ आप जो चाहेंगे, जिससे चाहेंगे अपना काम करवा लेंगे। आपके करीबी लोग आपके लिए बड़े सहयोगी रहेंगे। यहाँ पर ये समय आपके पक्ष पर रहेगा।
बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वृश्चिक वालों के लिए, यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है। पैसों का लेन देन बिल्कुल भी मत करिएगा, किसी को पैसे उधार देना लेना नहीं करना है। खान पान का ध्यान रखना है, अदरवाइज उससे आपको हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, या बोलने की वजह से जो है किसी से वाद विवाद हो जाए। मेंटली इमोशनली आप थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को डिस्टर्ब पाएंगे, चीजें ठीक रहेंगी फिर भी आप असंतुष्ट रहेंगे, तो वाणी की वजह से दिक्कत हो सकती है। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है वृश्चिक वालों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके सारे रुके अटके बिगड़े कार्य पूर्ण होंगे, यात्राओं से फायदा, हर एक तरह से आपके लिए लाभप्रद स्थितियां निर्मित होगी। नौकरी व्यवसाय बिजनेस में लाभ, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप कोई भी काम करते हैं, ये समय आपको बहुत सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आप पीआर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पेपर से रिलेटेड कोई भी कार्य, लिखा पढ़ी वाले जो कुछ भी काम होते हैं वो सब आप यहाँ पे पूर्ण करिए। इसी के साथ साथ जो लोग चाहते हैं कि कोई काम आगे चल करके पूरा हो जाए उसकी शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई अपनी विश कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर स्टार्ट करिए, यहाँ पर उसका इनिशिएटिव लीजिए, तो आगे चल करके कंप्लीट होने के काफी चांसेस बन जाते हैं। अगर आपकी दशाएं वगैरह भी अच्छी होंगी तो और भी आपको ये सपोर्ट कर देगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं जिनकी शनि की दशाएं वगैरह चल रही होगी, कंस्ट्रक्शन निर्माण से आपको फायदा होगा, नौकरी व्यवसाय बिजनेस में भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के एकदम अलर्ट होकर के रहिएगा, क्योंकि मेल्फिक प्लेनेट है आपके लग्न पर दृष्टि डाल के रखे हुए है, तो ये कई बार थोड़ा बहुत सुस्तीपन देता है, या एक तरीके से जो स्नायु तंत्र की बीमारियां होती हैं गठिया बतास इस तरह की चीजें देता है, उसका ध्यान रखना रहेगा। गुरु की जिनकी दशाएं वगैरह चल रही होंगी, नौकरी व्यवसाय बिजनेस विदेशों से जोड़ करके आपको रखे हैं, कुटुंब में अच्छी स्थितियां निर्मित करवाएंगे, फाइनेंशियली गेन कुछ ना कुछ देते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई की ओर आपको बहुत ज्यादा बहुत मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। जिनकी राहु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी, ये आपके लिए आपकी बुद्धि को बहुत शार्प करेंगे, रचनात्मक कार्यों से आपको फायदा करवाएंगे, लेकिन आप किसी भी तरह के अनैतिक क्रियाकलापों गतिविधियों में अपने आप को मत इन्वॉल्व करिएगा, किसी तरह के रिलेशनशिप में जो आलतू फालतू चीजें होती हैं उसमें बिल्कुल भी मत अपने आप को लगाइएगा, अदरवाइज ये राहु आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। बुद्धि आपकी बहुत शार्प हो जाएगी, तो जो स्टूडेंट है अपना पूरा फोकस पढ़ने की ओर लगाएंगे तो राहु का आपको फायदा मिल जाएगा, अदरवाइज आप किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होकर के अपने समय को वेस्ट कर लेंगे। और ये आपको सरकार से भी फायदा करवा सकता है, यात्राएं आपके लिए काफी अच्छी दे सकता है। यदि आपकी कोई टेक्निकल एजुकेशन है, आप इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस वगैरह की आईटी की पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं, वहां पर राहु बहुत सपोर्ट करेगा। केतु आपको लाभ तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने अधिकारियों के साथ में, बड़े भाई बहनों के साथ सेहत और संबंधों दोनों का ध्यान रख लीजिएगा। मीडिया वगैरह से आपको फायदा करा देंगे, व्यापार बिजनेस में सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा लोगों से थोड़ा सा कट करके रह सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके लिए बनाएंगे। जिनके लिए शुक्र की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी, उन लोगों के लिए विदेशों से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं, ये एक अच्छी चीज है। जिनके लिए सूर्य और मंगल की स्थितियां दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो बहुत अच्छा है, आपको नेम फेम प्रसिद्धि प्रमोशन और बहुत मान सम्मान आपका बढ़ सकता है। पॉलिटिक्स वगैरह में है तो आपको यहाँ पर बहुत सफलता, बहुत अच्छा पद वगैरह भी दिलवा दे सकते हैं दोनों ही प्लेनेट मिलकर के। बुध की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी तो व्यापार बिजनेस की दृष्टि से अच्छा रहेगा आपके लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आर्थिक लाभ आपको करवा देंगे बुध। वृश्चिक के बाद फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए जितने भी धनु राशि लग्न वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपको अनावश्यक यात्राएं, व्यय, स्वास्थ्य में दिक्कत, डॉक्टर हॉस्पिटल के ऊपर खर्चे के योग रहेंगे, तो बचाव करिएगा, जरूरी हो तो ही यात्राएं करिए, अदरवाइज बिल्कुल भी आप जर्नीज मत करिएगा, चैरिटीज कर दीजिएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके ही करिएगा, ये समय बड़ा उलझाने वाला रहेगा, आपको फालतू की यात्राएं करनी पड़ेंगी और उससे फायदा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपको फाइनेंशियली वहां पर नुकसान ही होगा, तो बचाव करिएगा। बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है ये धनु वालों के लिए काफी अच्छा है, यहाँ पर आपके रुके अटके बिगड़े कार्य पूर्ण होंगे, मान सम्मान इस प्राप्ति प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, सभी लोग आपके लिए बड़े सहयोगी रहेंगे, करीबियों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, तो आप सारे काम यहाँ पर अच्छे से अपने कर लीजिएगा, ये समय आपको सपोर्ट कर रहा है। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है धनु वालों के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको पैसों के लेन देन से सावधानी बरतनी चाहिए, उसमें नुकसान हो सकता है, खान पान का ध्यान रखिएगा और वाणी का विशेष रूप से, उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा। चीजें सब सही रहेंगी फिर भी आप अपने आप को थोड़ा सा संतुष्ट यहाँ पर पाएंगे। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वालों के लिए
गुरु की दशाएं चल रही होंगी तो काफी अच्छा है आपके लिए। ये बच्चों से फायदा, पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा, भाग्य, आर्थिक लाभ आपके व्यक्तित्व को मजबूती देने का काम करेंगे। यदि आपकी राहु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी तो आपके लिए विदेशों से संपर्क स्थापित करवाएंगे, रिसर्च से लाभ करवाएंगे, नौकरी व्यवसाय बिजनेस से कनेक्शन बना करके आपको कहीं घर से दूर ले जाने का काम करेंगे। लेकिन माता की सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। केतु की दशाएं वगैरह चल रही होंगी, प्रोफेशन में बड़े बदलाव करने से बचिएगा, बहुत अच्छे से देख परख करके तभी करिएगा। शुक्र की दशाएं वगैरह चल रही होगी तो फाइनेंशियली आपको काफी अच्छा लाभ यहाँ मिल सकता है, सरकार से फायदा हो सकता है और ये टाइम पीरियड आपको नए रिलेशनशिप की ओर भी आपके रुझान को बढ़ा सकता है। शनि की दशाएं वगैरह चल रही होगी तो ये आपके लिए काफी अच्छी स्थिति निर्मित करवाएंगे। संतान प्राप्ति, बच्चों से लाभ, पढ़ाई लिखाई में फायदा, उच्च शिक्षा, विदेशों से फायदे की स्थितियां बनाएंगे। स्पेशली जो लोग मीडिया, आईटी वगैरह से जुड़ करके या जो लोग ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं उनके लिए सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। यदि आपके सूर्य और मंगल की दशाएं चल रही होंगी तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए विदेशों से आपके कनेक्शन को बनाएगा। जो स्टूडेंट है पढ़ने लिखने की वजह से आप फॉरेन जाना, या जो आप स्टडीज वगैरह करते हैं, हायर स्टडीज करते हैं, उन सब चीजों के लिए आपको बाहर जाने के मौके मिलेंगे। जो कॉलेज के जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं उन चीजों के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि गुरु भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य मंगल भी आपके काफी अच्छे प्लैनेट होकर के 12वें भाव में जाएंगे तो ये सब मिलकर के आपके लिए स्टडीज के लिए बहुत ही अच्छे हैं, तो उसका आप फायदा ले लीजिएगा। और लेकिन अपनी आईज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आंखों में दिक्कत हो सकती है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिल रहा है, नौकरी व्यवसाय बिजनेस में लाभ, काफी आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, अधिकारी वर्ग आपके लिए काफी सपोर्टिंग है, उन सब चीजों का फायदा लीजिएगा। अचानक से रुके अटके हुए पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं, ये समय आपको बहुत ही लाभ देगा। बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है मकर वालों के लिए, अनावश्यक व्यय खर्चे के योग बनेंगे। यात्राओं से बचाव करिएगा, अनावश्यक आपके यहाँ पर यात्राएं होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी तो जरूरी नहीं हो तो मत करिएगा यात्रा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं तो देख परख करके करिएगा, वहां पर नुकसान होने के काफी अधिक चांसेस आपको दिखाई पड़ेंगे। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है मकर वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके सारे रुके बिगड़े अटके कार्य पूर्ण होंगे, मान सम्मान, प्राप्ति, प्रतिष्ठा, प्रमोशन मिल सकती है, लोगों का आपको बहुत सहयोग मिलेगा। आप अपने यहाँ पर सारे कार्य कंप्लीट कर लीजिएगा, ये समय आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो जितने भी चीजें आप चाहते हैं करना, शुरुआत करना, उसको कर लीजिए, सारे काम अपने यहाँ पर अच्छे से पूरे कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं जिनकी गुरु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी तो गुरु ग्रह आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन, निर्माण, रिसर्च से फायदा, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन की ट्रेवल, फॉरेन से जुड़ करके कुछ अच्छे आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह करवा सकते हैं। जिनकी शनि की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी उनको फाइनेंशियल गेन, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, सडन पैतृक लाभ और आपको कहीं ना कहीं से सरकार से फायदे की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। राहु की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो व्यापार, बिजनेस, आर्थिक लाभ में सपोर्ट कर देंगे, स्पेशली अगर आप मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपको सेहत और संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। केतु की दशाएं चल रही होंगी तो थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका मन अधिक लगेगा, रुझान लगे बढ़ेगा, यात्राएं होंगी, हायर स्टडीज में आपका मन लगेगा और ये आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ के अलावा जो बहुत अलग ढंग से जो आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, मतलब आपका मंत्र में बहुत मन लगने लगेगा, ऐसी चीजें आप करना शुरू कर देंगे, मंदिर, तीर्थाटन, ये सब चीजें करेंगे, बच्चों वगैरह से फायदा हो सकता है। यदि आपके सूर्य और मंगल की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी तो ये ग्रह आपको गवर्नमेंट से काफी अच्छे लाभ करवा देगा, तो बहुत अच्छी चीज है, उसका फायदा लीजिए। शुक्र की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो आपको नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस में लाभ, प्रमोशन मिल सकता है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकता है ये प्लेनेट, इस तरह से मकर वालों के लिए रहने वाला है। फिर बात करते हैं कुंभ के लिए। देखिए जितने भी कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस में लाभ, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ, नई जॉब, व्यापार, बिजनेस प्रोग्रेस की ओर जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में है तो आप अपने बॉस से मिलकर अपनी सैलरी वगैरह के इंक्रीमेंट के लिए बात कर सकते हैं, समय बहुत सहयोगी रहेगा। यहाँ पर बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, अचानक से आर्थिक लाभ आपको हो सकता है, जो आपके बॉसेस वगैरह हैं वो आपके लिए बड़े सहयोगी यहाँ पर सिद्ध होने वाले हैं, बड़े भाई बहन और फ्रेंड सर्कल से आपको लाभ मिल रहा है,
किसी भी तरह के आप एनजीओ से जुड़ करके काम करते हैं, आपको बहुत लाभ होगा। पैसों का प्राप्ति, पैसों की प्राप्ति, कुछ रुके अटके पैसे रहे होंगे वो यहाँ पर आपको आने के मिलने के योग बनेंगे। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, कुंभ वालों को यहाँ पर सावधानी रखनी है। अनावश्यक व्यय खर्चे यात्राएं होंगी जिसमें आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो प्रयास करिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जर्नी अनावश्यक मत करिएगा, पैसे मत गलत जगह इन्वेस्ट करिएगा। इस समय पर आप थोड़ा सा चेक टेस्ट कर दीजिएगा, डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, तो आप ऐसे ही किसी जरूरतमंद को दवाई के पैसे दे दीजिए, कहीं पे आप दान कर दीजिए, तो उससे आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं जिन लोगों की शनि के दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी, काफी अच्छी स्थिति है, आपको एक मजबूती दे रहे हैं सैटर्न, मीडिया से, व्यापार, बिजनेस, नई जॉब के लिए आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ सेहत और संबंधों का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों की राहु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी उन लोगों के लिए आर्थिक लाभ की स्थितियां बराबर है, नौकरी से फायदा हो सकता है, अचानक से प्राप्ति हो सकती है, और व्यापार बिजनेस में भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अपने खान पान और भाषा शैली का ध्यान रखिएगा। जिनकी गुरु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी उनके लिए यात्राओं से फायदा, व्यापार बिजनेस और गवर्नमेंट से आपको फायदा, फाइनेंशियली गेन आपको कराएंगे, मीडिया वगैरह के क्षेत्र से जुड़ करके आपको लाभ दे सकते हैं, आप किसी भी मैनेजमेंट वगैरह के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वहां से आपको फायदा करवाएंगे। विवाह की स्थितियां भी आप लोगों के लिए बन सकती हैं, इस चीज का फायदा ले लीजिएगा। इसके बाद जिनकी सूर्य और मंगल की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी तो सरकार से फायदा, पॉलिटिक्स में लाभ, नई जॉब अपॉर्चुनिटी, व्यापार बिजनेस का विस्तार, ये सारी चीजें आपको दोनों प्लैनेट मिलकर के दे सकते हैं, उसका आप फायदा लीजिएगा। जिनकी शुक्र की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी उनके लिए स्टडीज से बहुत फायदा है, आपके पिता की लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट हो जाए या आपको भाग्य का बहुत ज्यादा साथ मिलने लगे, उच्च शिक्षा यात्राओं से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन निर्माण का भी आपको ये ग्रह फायदा करवा देगा। जिनकी केतु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी कुंभ वालों के लिए, रिसर्च की दृष्टि से वो ये ग्रह आपको बहुत फायदा कराएगा, लेकिन अपनी लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखिएगा, वहां पर कटना, छिलना, चलना, छोट चपेट के भी योग ये प्लेनेट आपको दे सकता है, अगर आपकी दशाएं वगैरह उतनी फेवरेबल नहीं होंगी तो। इस तरह से आप लोगों के लिए रहने वाला है ये सप्ताह। कुंभ के बाद फिर बात कर लेते हैं मीन वालों के लिए। देखिए जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए औसत सा, बहुत ही औसत से आपकी शुरुआत हो रही है। यात्राएं होंगी पढ़ाई लिखाई से जुड़ करके या कोई धार्मिक यात्राएं, लेकिन फादर की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनसे आपकी कोई कहा सुनी वाद विवाद हो सकती है। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको असंतोष देगा, उतना अच्छा आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, तो शांति से समय को निकाल लीजिएगा। बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा यहाँ से आपके लिए समय अनुकूल होगा, नौकरी व्यवसाय बिजनेस में लाभ, कार्य क्षेत्र में विस्तार, अधिकारियों का आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, नई जॉब, जॉब में कुछ फायदे होना, व्यवसाय बिजनेस में कुछ लाभ मिल जाना, ऐसी स्थितियां बनेंगी, कार्य क्षेत्र आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर के आ रहा है, रुके अटके पैसे मिलेंगे, कुछ आपके यहाँ पर विशेष कंप्लीट हो सकती हैं, आपके बड़े भाई बहन फ्रेंड सर्कल के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, अधिकारी आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव होंगे, यहाँ पर बच्चों से फायदा हो सकता है, सरकार से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। मीन वालों के लिए बहुत ही अच्छा जा रहा है सप्ताह, शुरुआत के 2 दिन छोड़कर के बाकी समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है, उसका आप लोग फायदा लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं जिन लोगों की शनि की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी, विदेशों से जुड़ करके आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, निवेश वगैरह करिएगा, लेकिन वाणी का ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़े वाद विवाद कोर्ट कचहरी में बिल्कुल मत इन्वॉल्व होइएगा, नहीं वहां भी पैसे खर्च करने के योग ये प्लेनेट बना सकता है। उच्च शिक्षा, हायर स्टडीज के लिए ये प्लेनेट आपको बहुत सपोर्ट करेगा, और बाहर जाने के लिए स्थितियों का भी निर्माण करेगा। जिनकी राहु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी उन लोगों के लिए इस समय जो है पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा दे सकता है, व्यापार बिजनेस में विस्तार करवा सकता है, नए रिलेशनशिप की ओर ले जा सकता है, विवाह करवाने के लिए स्थितियां निर्मित करवा सकता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या जो स्टूडेंट हैं, एक्सट्रामैरिटल अफेयर, फालतू के जो अफेयर्स होते हैं उन चीजों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़वा सकता है, क्योंकि लगन में बैठा है, पंचम को, सप्तम को देख रहा है सभी, तो ये कई बार आपको गलत तरह के रिश्तों की ओर लेकर के जा सकता है। राहु आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं, आप इनका पॉजिटिव डायरेक्शन में उपयोग कर लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा करवा देंगे, ये नेम फेम प्रसिद्धि भी दिलवाएंगे, बड़े बड़े आपके डील पूरे करवा सकते हैं। केतु की दशाएं वगैरह चल रही होंगी, सप्तम भाव में है केतु, व्यापार बिजनेस में जो भी आप काम करते हैं उसको अच्छे से देख परख करके करिएगा, पार्टनर के साथ अच्छे से बना करके चलिएगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसके साथ
संबंधों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उससे बोलचाल कम्युनिकेशन बराबर बना करके रखिएगा। जिनकी राहु की दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी, सॉरी गुरु की जिनकी दशाएं वगैरह चल रही होंगी, उनके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। नौकरी से लाभ, सडन इंसेस्टर प्रॉपर्टी का फायदा, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकते हैं गुरु। और जब नौकरी में नई जॉब मिलना, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ करवाना, फैमिली के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, गुरु वालों मीन वालों के लिए काफी अधिक संभावनाएं बनी हुई हैं। आप लोगों के लिए विवाह की, घर में कुछ शुभ कार्य हो, ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए बनी हुई है। भले ही आपकी साढ़े साथी चल रही है, इसके बावजूद भी बहुत प्लेनेटरी जो कॉम्बिनेशंस हैं गुरु का, राहु का, ये सब बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, तो आप इनका लाभ ले सकते हैं। इस तरह मेष से लेकर के जो मीन राशि लग्न वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सप्ताह एक मिला जुला प्रभाव देगा। बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित ये प्रेडिक्शन है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके सुन लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि को चेक कर लीजिएगा, आपका क्या नाम है तो क्या आपकी राशि बनती है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। और राशिफल जो होता है गाइडलाइन की तरह से काम करता है, कब आपका समय आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा से ही स्थितियां जो है अनुकूल बनती हैं या प्रतिकूल बनती हैं, और नक्षत्रों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए अगर आपको अपने जन्म का नक्षत्र पता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उसको भी अगर आप इसमें इम्प्लीमेंट करते जाएंगे राशिफल में, तो बहुत एक्यूरेट आपको प्रिडिक्शंस मिल सकती हैं। और आशा करती हूँ कि मेरे साप्ताहिक राशिफल से आप लोगों को कुछ मदद मिलती होगी, कुछ हेल्प मिलती होगी, कुछ गाइडलाइन मिल जाती होगी। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक्स। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाया करे। देखिए मेरे जो वीडियोज होते हैं उनमें 70-80% जो अनसब्सक्राइब लोग हैं वो लोग देखते हैं, और 20-30% जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो देखते हैं। मतलब कि जो देखने वालों का परसेंटेज है उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब करिए, उससे अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है और काम करने में भी बहुत खुशी मिलती है। लाइक भी कर सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं, ये सारे सपोर्ट आप लोगों के चाहिए मुझे, और उससे काम करने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। और फिर आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।